और चक्कर चक्कर मार रहा था, कुदा रहा था, दो आदमी तीन गो आदमी तू घर दिख रहा है, पकड़ने पर पा रहे हैं। राजधानी रांची के बिरसा चौक में एक व्यक्ति से एक महिला का मुलाकात होती है। मुलाकात में व्यक्ति द्वारा कहा जाता है कि धोनी ने एक घर दे रहा और 5,000 रुपया कैश। वही तुरंत अज्ञात आदमी के साथ बैठकर अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बिजली ऑफिस के गली में आता है और ये कहता है कि यही घर है और धोनी दे रहा और 5,000 रुपया कैश दे रहा है। वही तहत एक बच्चा महिला के साथ रहती है, बच्चे को और महिला को एक बिस्किट देती है और बिस्किट में नशीली पदार्थ मिला हुआ रहता है। मिलने के तहत महिला का जो है वो नशा में धुत हो जाती है और जो बच्चा है एक महिला और पुरुष लेकर फरार हो जाते हैं। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस सारे बिंदु में जांच कर रही है और सीसीटीवी में अज्ञात अपराधी का चेहरा भी कैद हो गया है। क्या कुछ पीड़ित महिला का कहना है सुनिए। पकड़ने पर पा रहे हम थाना 4 दिन से इधर से इधर घबराव कर अभी तक थाना लोग नहीं बच्चा पता लगा रहा। ज्यादा दो फोटो निकला था जो बाइक वाला लड़का खड़ा था ना ले आ रहा था हमको तो फोटो हुआ के आया था कैमरा में बोल रहा है भैया, मगर हम लोग 22 तारीख से कम 8-9 बजे से बहुत परेशान हम लोग। 7 बजे के बीच में हुआ ये सब कांड, जैसे बच्चा को कोई छीन के ले गया इससे तो हम लोग बहुत परेशानी है। सुने तो हम लोग वहाँ से दौड़े चले आए, रात में भी आए, 12-1 बजे रात को आए, उसके बाद फिर सुबह भी आए, सुबह आने के बाद फिर आज आए, आज 12 बजे बड़ा बाबू बुलाए हम लोग को। तो ही भैया ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चा मिल जाएगा, घबराओ मत, यही बोल रहे हैं सर लोग। हाँ तो बोले कि बच्चा मिल जाएगा, आप लोग घबराइए मत, यही बोले। कितना दिन से आप थाना का चक्कर काट रहे हैं? आज तो 4 दिन हुआ भैया, आज 4 दिन हो गया, 22 तारीख से हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है 4 दिन से आ रहे जा रहे, तो क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि कैमरा फोटो सीसी कैमरा देख रहे हैं, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया। तो ही अब देखिए अब कहाँ कहाँ जांच पड़ताल के हम लोग तो नहीं जानते हैं भैया। मिल जाएगा बच्चा, मिल जाएगा करके 4 दिन हो गया, अभी से बड़ा 12 बजे आना करके बोला, 12 बजे जाके मिले हैं उतवार से। हाँ हमको हिन्नू में भेटाया, एक औरत था एक लड़का था लंबे पतले दुबले, वो बोला वहाँ मैच खेलता धोनी, वहाँ 5,000 दे रहा है और एक एक रूम घर बना के दे रहा है करके हमको गाड़ी में बैठा के लेगा, हमको पहुँचाया हुआ और फिर बस का जाने के लेगा, जन उस बिस्कुट फाड़ के हमको दिया, बच्चों को भी दिया और हम भी खाए, और बोला ये फ्लैट में देगा पैसा, वो फ्लैट को देखते रह गया और बच्चा इन्हें से भाग गया लेके गली से, उसका पति भागा रहने से जब औरत लेके भागा बच्चा मेरा के, नहीं कभी उसको नहीं देखे हम। हम चाय दुकान तरफ रोने लगे तो एक बाइक वाला भैया कूदाया उसको तो नहीं पकड़ाया, तो फोन कर दिया यहाँ थाना के, तो थाना वाला हमको ले गया हुआ तो जगह का दिखाए, इधर से लेकर आया था हमको, सब जगह तरफ दिखा दिए किधर से किधर से लेकर, अभी न बोल का बोलता तो थाना वाला करते हैं अभी तक, 1.5 साल का है बच्चा। जैसा कि आपने सुना कि पीड़ित महिला का क्या कहना है, अरगोड़ा थाना में लिखित आवेदन देने के बावजूद बार बार थाना का चक्कर काटना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी पिंटू के साथ मुर्शिद, TV45 रांची।